सब दीदी भाई जी के प्रणाम। हमर नाम सुशीला देवी, दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह के हम सदस्य छी, तुलसी जीविका ग्राम संगठन के सदस्य छी, घर गौसनगर प्रखंड राजनगर जिला मधुबनी। सब दीदी भैया के प्रणाम। नाम हमर रासो देवी, घर गौसनगर, दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह के हम सचिव छी, तुलसी जीविका ग्राम संगठन के ओहो सचिवे भेलहुँ। पंचायत भऽ गेल हम रामपट्टी, प्रखंड राजनगर, जिला मधुबनी। सब काम पड़ल छै, कखन जेबै हम खेत में बीजा बिया ल के बौग करै ल, सबटा काम करैत में। जल्दी जल्दी बिया ल के जेबै खेत में, खुशी एबो करते कखन सब अबै छै, जाइ छी बिया ल के रख। प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई जी। कत विदा भेल ये? धान बाग कर जाए छे भाई जी। धान बाग कर जा रहल छे? दीदी ये तो बहुत रास बिया देख रहल छी। 5 कट्ठा के बीज है भाई जी। 5 कट्ठा के बिया छे? 5 किलो। हाँ। 5 कट्ठा में 5 किलो दे ले जाए छे? हाँ भाई जी। अच्छा दीदी एक टा बात बुझबे, हमू जे छे से काल खन जे छे से ललिता दीदी से भेंट केने रहिए, तो कोनो श्री विधि के बारे में चर्चा केने रहथिन, कहथिन जे ओई विधि में जे छे से कमे बिया में बहुत सारा खेत अहाँ के से रोपा जाए छे, तो जे इच्छा हुआ तो चलू हमू चलू हुनके ओहिठाम जे छे जानकारी के लेल। चलू भाई जी जेबे हमू बुझि लेबन। हाँ हाँ, जानकारी लऽ लेब, तो इच्छा हुआ तो हूँ ओहि विधि से करब। हाँ भाई जी ठीक छे। हाँ। तो चलल जाओ अपना सब। ललिता दीदी। ए ललिता दीदी जी। भाई जी प्रणाम। प्रणाम भाई जी। अच्छा दीदी ओहि दिन जे ओ श्री विधि सँ धान के बीज उपचार के बारे में जे चर्चा केने रहिए, तही जानकारी लेल आयल छलहुँ हँ, आ सङ्ग सङ्ग ई सुशीला दीदी के सेहो नेने एलियनि हँ। तऽ चलू भाई जी। अच्छा चलू तऽ कनि देखा दिए जे केना की करै छियै। चलू चलू। देखियौ भाई जी। हाँ हाँ। इएह सब सामग्री से धान बीज उपचार करबै। अच्छा एहि सबसे बीज उपचार करबै जी। अच्छा एमे की सब केना केना कते कते क छे दीदी? कते धान छे, कते खेत के बीज बाग करबे दीदी? आधा किलो बीज छे 5 कट्ठा के दीदी। आधा किलो में केना ई 5 कट्ठा यहाँ रोबे? ई तो हमरा सब के आय तक तो नहीं संभव छे दीदी, आचर छे दीदी। हम सब किने से आधे किलो बीज दे छे 5 कट्ठा में? ई तो नहीं भ सके है दीदी, आधा किलो के 5 कट्ठा यहाँ रोपबे, आज तक तो नहीं सुनने छलिए या दीदी। हम सब श्री विधि से खेती करे छे ना, तो आधे किलो 1 कट्ठा में 100 ग्राम लगे छे दीदी। हम सब तो दे छे 1 कट्ठा में 1 किलो बीज दे छे। नहीं दीदी तो हम सब श्री विधि से करे छे ना। देखियो दीदी कहने छलो हन अहाँ के जे ललिता दीदी एकटा नव विधि के बारे में जे बतबै छथिन से कम लागत में बढ़िया से खेती भ जाय छे। आप देखियो जे 100 ग्राम में 1 कट्ठा खेत के बिया तैयार भ जाय छे। तो भाई जी आज तो हम कोनो काम नहीं करबे, आज तो हम दीदी के देखबे जे दीदी केना करे छथिन 1 कट्ठा में 100 ग्राम सब। हां वे सामने में ने 5 कट्ठा के बिया वे देखियो तैयार कर रहल छथिन, जैसे आधे किलो बिया में। नहीं भैया 5 कट्ठा खेत के लिए का जेबे ने? देखियो भाई जी ई बीज छे। अच्छा जलिए बाल्टी के जरूरी पड़े छे। अच्छा नमक के जरूरी, अंडा के जरूरी छे, और सूत्री बोरा के, रस्सी के। अच्छा रस्सियों के जरूरत पड़े है जी। ओ और ये की छी? ये बीजा रक्षा छे भाई जी। अच्छा ये बीजा रक्षा छे? हाँ भाई जी। ओ तो एक बेर बीज उपचार करे के लेल जी धान के बिया होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा बाल्टी होना चाहिए जी, छेने नमक अंडा जी, आई बोरा आ ई सूत्री बनेला सेहो चाहिए। हाँ हाँ। आई संग संग बीजा रक्षा छे? बीजा रक्षा छे। अच्छा अही सब से उपचार करबे? हाँ हाँ हाँ। कोना कोना करबे से कनी बतेबू। देखियो भाई जी जते बीज छै तकर दुगुना पानी छै भाई जी। अच्छा आधा किलो बीज छै और 1 लीटर पानी छे। अच्छा बीज के दुगुना पानी हेबाक चाहिए? जी हाँ। अच्छा और जांचे के लेल से अंडा के देल जाय छे भाई जी। अच्छा ये में जांचे के लेल अंडा देल जाय छे? अच्छा जे ई अंडा खराब छे या नीक छे से। अच्छा एमे पहिले अंडा जांचबे? हां हां भाई जी। हां कोना जांचबे, जांचियो तो
देखियो भाई तोर में चल गेल हां भाई जी डूब गेले ना त बुझियो जे ई निरोग अंडा छे अच्छा ई अंडा जे पानी में डूब जाए त बुझियो ओ निक अंडा है हां हां अच्छा आ नहीं डूबल तो नहीं डूबले तो खराब छे खराब अंडा छे दीदी अंडा जे पानी में तो कई घोल किया कहां बनेबे दीदी ये पानी के से जांचल जाय छे दीदी जांच के की करबे हां ये बिया जे शोधन करबे ना से घोल तैयारी भ जते त ये बिया शोधन करबे बनइयो त दीदी घोल ये अंडा वही में छोड़ दे जे फुटते नहीं ना भाई जी हैं नहीं अच्छा आ ई घोड़े क्या छिए ई घोर में भाई जी कि ना तो भी अंडा ऊपर होता है मतलब घोरते घोरते अंडा ऊपर चले हां 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 ओके देखियो भाई जी घोल तैयार भ गेले भाई जी देखियो अंडा दहै छे ना हां हां अंडा तो ऊपर आबि गेला हां आब एकरा बाहर निकाल लिए हां आ भाजी घोल तैयार भ गेले अच्छा दीदी एक चीज कहू ई जहां घोल तैयार के लिए या आई में अंडा देलिए तो अंडा ऊपर आबि गेले आ जत अंडा नेते त केना लोग जस्ते दीदी सब भाजी ई अंडा जे नहीं रहते ना कहिए एते टाके आलू द सके छिए अच्छा एते बेटा के अंडे आकार के आलू द सके छिए हां हां भाजी ओसे का चल जते ओहो एहिना ऊपर में आ जे छै हां ओ एहिना ही ऊपर में चल आओ अच्छा अच्छा हां आबे घोल में की करबे आबे घोल में बीज देबे अच्छा ये घोले में का बीज देबे हां ओ दीदी उठा के दो दियो सटा जल्दी भ जते में आ एकरो फेर ही लेबो पड़ी छे हां भाई जी देखियो भाई जी हां हां ई जे सब जति ऊपर में ही दहाई है सबटा खखरी छे भाई जी अच्छा ये ऊपर जते 46 रा खखरी छे हां दीदी आहा बुझै छिए ने हां भाई जी हां त से छे त हमहु सब त सिखबे करै छियै दीदी से त्या दुआरे ध्यान से देखियो अही दुआरे बजेने छलो हम जे चलू हम सिखब हां आ भाई जी अच्छा दीदी एकरा की करबै आब आ भाई जी ई जे जते के ई छे खखरी अच्छा से सबटा ई खखरी एना का से ई हटा देबै और जते के निरोग वाला धान हेते से तोर में हेते आ जते के ऐसे जे जे कुछ ओजन वाला हेते से सबटा हे देखियो ई से ई बीच में दहाई छे फेर ओ देखै छे दहाई थेतै हां ऐसे जे ओजनदार हेते से मतलब ई ऊपर काछला से खखरी सब हां ई खखरी छे भाई जी अच्छा आई बीच में जे दहाई है से हाँ, सब हां से सब ओई जे निरोग दान है से त दतर में बैठ गेले बिया और जे ऐसे जे कुछ दाना वाला हते से बीच में दहाई छे ओ मतलब जे छे से ई निकहा बिया सबसे नीचा बैस गेल हां आ खखड़ी वाला ऊपर आ गेल हां आ जे कनी खराब हा मरा भाई से बीचो में बिचला से खराब हा सब छे हां भाई जी हां देखियो भाई जी हां हां ई त खखरा हटा देलिए अच्छा अब ई जे बिचला जे छै के ने से ई बीमारिया छै अच्छा बिचला जे बिया देखै तैर रहले से बीमारिया है बीमारिया छै अच्छा और ऊ बीमारिया के ओहो बीमारिया के हटाल जेते एई दुआरे जे ऊ त अपने बीमारे छै और दूसरो के जे निरोगो के ओकरा से ओइसे बीमारिया बना देते से ना हां त तहन त हम सब जे एते के बिया दै छलिए या हमरा सब के बाकाबे छलिए पियर पियर भ जाय छलिए दीदी रहे सब के कारण छले ना हां दीदी त सिखियो हां दू सब इस विधि से सिखियो हम सब करियो क्या वजन हो छले ना इनका हां देखियो दीदी आई बीमारिया के से सबटा सहिया ना के हटेबे दीदी देखियो भाई जी ई पानी आई में से निकालल जाय छे ये पानी के पसा देबे हां हां बिया ने खसा तो में नहीं देखियो भाई जी ई 3 से 4 पानी में से एकरा साफ करे के है भाई जी अच्छा एकरा फिर आप साफ करे के छे हां जैसे ई नमकीन नहीं रहे
ओ तो जे में नमक घोल में जे देने छलिए एकरा हां एकरा फेर में धो के बाहर कर दे के छै जे नमकीन नै रहै आ नै रहै अच्छा अच्छा दीदी आई नमक जे धो रहल छै से पहिले नमक के घोल में देलिए या अब नमक धो रहल छी ई बात हमरा की समझ नै आयल नहीं बुझलिए भाई जी ई जे घोल बनौलिए ना हाँ हाँ। नमक द के जते खराब जे बिया छले बीमरिया से सबटा निकाल दिलिए ना तब ई नमक जे धोबे पूरा तीन चार पानी से तब वो बढ़िया बिया नमकीन नहीं रहते कि ने तब सबटा बिया जन्मते न त नहीं जन्मते अच्छा जन ई में नमकीन रह गेले नमक के मात्रा रह गेले त बिया नहीं जन्मते नहीं वो बिया जोंचे ले नमक घोल बनाने चाहिए हां भाई जी हां देख लिया दीदी अहू बुझियो सबटा चीज ध्यान रखबे तखन न फायदा हैत हां दीदी सिखिए लियो अहू हमहु दीदी एहना बनेबे अच्छा दीदी हां इहो बुझलिए चलू नमक हटेबाक वास्ते जे छै से अहाँ के पानी से फेर धो देना चाहिए जी जी छै ने लेकिन आब ई में से नमक पूरा पूरा हट गेलै से केना पता चलते त देखियो देखियो दीदी ये नमकीन बुझाइए ओ मुंह में लगा जाय छै हल्का हल्का छै हल्का हल्का नमकीन छै अखन पानी से आरो धोइए दै छियै हां हां धो दे अब ई आधा किलो बीज है तो दोबारा पानी डाल जाए एक लीटर अच्छा आधा किलो बीज छले तो अब दोबारा एक लीटर पानी दको हां भाई जी हां अब ई छाया में डाल जते 8 से 10 घंटा अब का छाया वाला जगह में रख देबे 8 से 10 घंटा हां भाई जी अच्छा दीदी 8 से 10 घंटा ई बीज किया कहां रखबे ठंडा में दीदी ए दुआरे रखबे जे ई निक जाके फूल जते जे अंकुरे में अंकुरते जल्दी ऐ दुआरे 8 से 10 घंटा रखते हुए एकरा छाया में रखबे जे जल्दी अंकुरते फूलन रहते तो फेर ई पाउडर जे रखलिए से की करबे हां दीदी ओ जे ओ की कहै छलिए पाउडर के बीजा रक्षा से ओकर कहां में काज के लिए किछो भाई जी ई 8 से 10 घंटा में जे ई छनबे ना तो ओकर बाद बीज तैयार करबे तब ना वो बीजा रक्षा ओय में मिले भाई अच्छा एकरा 10 घंटा बाद जे निकालबे छन को तखन ओय में फिर मिलबे ओ तो दीदी हमरा आए फिर हम देखिए का आई जाब हां तो आब देखिए ले आबे छी फिर घुर का हम देखिए का आई जाब हां तहन हम अपन खेती करब वही हां तो जरूर जरूर देख ले हां ठीक है भाई जी ठीक है तकरा आप 10 घंटा लाइज रखबे जत शायद आज रख दियो त हमहु सब जगह 10 घंटा बाद आबै छी अच्छा ठीक छै भाई जी चलू दीदी अच्छा दीदी ई त बोरा देखै छी भिजल भाई जी बोरा जे भिजल रहै छै ना जे नमी बनल रहै छै भाई जी अच्छा सुखल बोरा देबै त ई धानो जे है से सुख जेतै त ई पर सुख जेतै त अकुरते नै ओ त तें दुआरे बोरा भिजल बोरा पर में का दै छियै हां भाई जी अच्छा आ ई छनै जे छियै से पानि नै पसा दै सकै छलिए हां भाई जी तर में जे ई में जे गर्दी मर्दी हेतै कि नै हां हां से सब ओइ में रह जेतै ओ अच्छा इन देले त गर्दी मर्दी तोरे में रह हां भाई जी हां अच्छा देखियो भाई जी ई 10-15 मिनट अच्छा एकरा फरहर कयल जते भाई जी अच्छा 10-15 मिनट लगा फरहर कयला छोड़ देबे हां हां भाई जी 10-15 मिनट फरहर कर देबे एकरा देखियो भाई जी आब ई आब बेरोगर भ गेले अच्छा हां त आब ई फरहर भ गेला हां भाई जी आब एकरा आब में की करबे आब ई में बीजा रक्षा मिलेबे ओ एकरा गोल क हां अच्छा 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 कोना मिलेबे से देखा दिए त ओ पानियो लगबै छी हाथ में हां भाई जी एक प्रकार के जहर होय छै भाई जी अच्छा ई बीजा रक्षा एक प्रकार के जहर होय छै ओ त सावधानी द्वारे में पानी लगा लै छै हाथ में देखियो भाई जी हां हां ई हाथ में जे ई लगबै छी भाई जी हां ई पानी जे लगलिए हां त ई जे खरीदबै ना त पाय लगतै ने भाई जी अच्छा ई बीजा रक्षा से 5 चुटकी से में से मिलाओल जाय छे भाई जी अच्छा इमे 5 चुटकी मिलेबे हां भाई जी मतलब 5 कठा के बिया तैयार के लिए है त में 5 चुटकी हां बीजा रक्षा मिलेबे से है ना मिलाओल जाय छे भाई जी ओ ओकरा ना के मिला देबे से है ना हां भाई जी अच्छा
देखियो दीदी एकरा हल्के हल्के मिलाएल जाय छे दीदी जोर से हाँ जोर से नहीं मिलाएल जाय छे देख लियो केना सावधानी के संग मिलेलखिन हैं आ बीजा रक्षा प्रयोग केलखिन हैं तो हाथ में जे छे से पन्नी लगा कर किएक तो कहलखिन हैं दीदी जे एकटा जहर होइ छे एक तरह के हमहू सब एहिना आब जाय छी दीदी हाँ जरूर जरूर देखियो भाई जी आब एकरा समेट क एकरा बांध देबे भाई जी अच्छा एकरा ई में लपेट के बांधबे हां भाई जी ओ पकड़ ले छी ओके देखियो भाई जी एकरा खूब टाइट से बांधबे भाई जी अच्छा बीजा के लपेट के खूब बढ़िया का टाइट से बांध देबे छै भाई जी देखियो दीदी कोना कोना बनै छथिन ई 6000 जगह में हाँ। से कतौ टांग देबे अच्छा बुझलियै हां आ 18 से 20 घंटा अच्छा, से टांगल रहते अच्छा आ ई में से पानी के छिट्टा से 2 घंटा पर से मारत रहबे अच्छा बीच में पानी के छिट्टा मारा पड़ता हां भाई जी त किया दीदी पानी के छिट्टा किया देबे ई में जे डुबाइए देबे डोल में त नहीं हेतै नहीं दीदी डोल में जे डुबेबे ना तो बीजा रक्षा जे है कि ने सही में से तो सबटा अथी भ जेते ना बह जेते तै दुआरे एकरा छिटा देबे जे नमी बनल रहते ओ नमी बने के लेल बीच में छिटा देते हां भाई जी अच्छा अच्छा दीदी अपने तो श्री विधि से धान के बीज उपचार के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देलिए हां भाई जी हमरो जानकारी भेटल शीला दीदी से हो सीख गेली ठीक छे ने हां हां तो हमर इच्छा है जे किसान दीदी भाई जी के लेल सेहो अपने के संदेश देतियन जी जरूर देबन सब दीदी भैया से अनुरोध है जे श्री विधि से बीज उपचार करू और अधिक से अधिक लाभ उठाओ जीव का के खोलल ये सकोला बान हे चलो नाम लेखा बाबे जीव का के खोलल ये सकोला बान हे चलो नाम लेखा बाबे लागे गोर पाइया नहे चलो नाम लेखा बाबे ना लागे एको गोर पाइया नहे चलो नाम लेखा बाबे।